दूसरे T20 में वेस्टइंडीज़ की टीम ने इंडिया को शिकस्त दे दी है। इंडिया की टीम जो बड़ी बड़ी बातें तो करती हैं, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर वेस्टइंडीज़ जैसी ऐसी टीम से हार गई है जो टीम वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। आज इंडिया की टीम को वेस्टइंडीज़ के हाथों बदतरीन शिकस्त, इबरतनाक शिकस्त हुई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेस्टइंडीज़ की जानब से एक खिलाड़ी ने इंडिया को ऐसा मारा है, ऐसा मारा है कि कप्तान हार्दिक पांड्या और इंडियन सेलेक्टर सर पकड़कर बैठ गए हैं कि हमारे साथ क्या हो गया है। निकलस पुरन की 67 रन्स की इनिंग आज उनको और उनकी टीम को फतह याब करवा के गई है। इंडिया की टीम ने पहले खेलते हुए 7 विकेट्स के नुकसान पर 152 रन्स बनाए हैं। जी हाँ, 152, जिस पे पाकिस्तान ने इंडिया से 10 विकेट से कामयाबी हासिल की थी 2021 के वर्ल्ड कप में। और इंडिया की टीम जो न्यू जनरेशन टैलेंट्स, न्यू टैलेंट्स को मौका दे रही थी, जो प्रिंस ऑफ क्रिकेट शुभमन गिल किसको कहने लग गए थे कि ये बाबर आजम के इक्वल है, कहाँ का वो शुभमन गिल बाबर आजम के इक्वल है, उसको सिर्फ अहमदाबाद की पिच ले के दें और वो सेंचुरी कर दे फटे विकेट पर और रोड विकेट पर। आज फिर उन्होंने 9 बॉलों पर सिर्फ 7 रन्स किए हैं। ईशान किशन को देख लें, 23 बॉलों पर 27 रन्स किए हैं। सिर्फ इंडिया की जानब से एक खिलाड़ी तिलक वर्मा ने 50 रन स्कोर किए हैं। बाकी कप्तान को देख लें, अक्षर पटेल जो ऑलराउंडर खेलते हैं उसको देख लें, किसी ने भी आज इंडिया की तरफ से परफॉर्मेंस नहीं दी। और जब बॉलिंग करने के लिए आई, पहले ओवर में मोमेंटम इंडिया के हाथ में था। जब पहले ओवर में आपने 2 स्कोर्स पर 2 खिलाड़ी वेस्टइंडीज़ के आउट कर लिए थे, लेकिन उसके बाद उनके हाथ में ये मोमेंटम नहीं आया। गो के एंड में वेस्टइंडीज़ की विकेट्स गिर गई थी, लेकिन वेस्टइंडीज़ की टीम के पास ऐसी बैटिंग है कि वो 9वें 10वें नंबर वाले खिलाड़ी भी 10-15-20 रन बना सकते हैं। और आज अल्ज़ारी जोसेफ और अकील हुसैन ने परफॉर्म करके देखे और वेस्टइंडीज़ को जितवाया है। लेकिन वेस्टइंडीज़ की जानब से आज सिर्फ और सिर्फ कारकर्दगी दिखाई है, मैच विनिंग ना खेल के गए हैं। वो है निकलस पुरन, जिन्होंने इंडिया के किसी बॉलर को नहीं बख्शा और बहुत ही शानदार अपनी टीम के लिए 67 रन की इनिंग खेली। और उन वेस्टइंडीज़ की टीम ने 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। 5 T20 सीरीज़ का मैच है ये, दूसरा था आज। और आज इनको, इंडिया की टीम को, इंडियन खिलाड़ियों को पता चल जाना चाहिए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की क्या वैल्यू है हमारे लिए। लेकिन जो हार्दिक पांड्या ने कहा था कि हम 2 टीम्स भी बना लें तो भी हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं, वो भाई पहले आप इंडिया जैसी टीम, वेस्टइंडीज़ जैसी टीम से जीत जाए जो वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी।